फ्रेंड्स, आज हम आपको एक ऐसे शहर के बारे में अमेजिंग अमेजिंग फैक्ट्स बताने जा रहे हैं जिसे दुनिया का सबसे हैपनिंग सिटी कहा जाता है। जी हाँ, एक ऐसा शहर जिसका इतिहास बहुत ही पुराना है। यहाँ की हिस्ट्री का डायरेक्ट कनेक्शन हमारे देश से है। आज हम आपको जिस शहर के बारे में बताने जा रहे हैं, वहाँ पर 180 अलग अलग देशों के लोग रहते हैं। जी हाँ, इस शहर में आपको इतने इंडियन रेस्टोरेंट खाने के लिए मिल जाएंगे जितने की मुंबई में नहीं है। यहाँ की खूबसूरती को देखकर कोई भी शहर का हो जाता है। यहाँ की लड़कियों का लुक किसी को भी घायल कर दे। जी हाँ दोस्तों, क्या अब आपको समझ में आया कि आज हम आपको किस शहर के बारे में रोचक जानकारी देने जा रहे हैं? जी हाँ, इसका नाम है लंदन, इंग्लैंड की राजधानी। तो चलिए आज हम आपको इस शहर के बारे में एक से बढ़कर एक कहानी बताते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि शहर की कुल जनसंख्या करीब 90 लाख के आसपास है। वही बात की जाए यहाँ के लैंड एरिया की, तो ये 1572 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी की बात की जाए तो यहाँ पर 5701 लोग आपको पर स्क्वायर किलोमीटर पर मिल जाते हैं। समझिए कि यहाँ कितनी डेंसिटी है। वेल, दोस्तों आपको बता दूं कि लंदन दुनिया का सबसे महंगा शहर है। जी हाँ, यहाँ पर कुछ भी खरीदना आसान नहीं है। दुनिया के सबसे महंगे घर भी इसी शहर में मिलते हैं। चूंकि यहाँ की आबादी ज्यादा है और लैंड एरिया कम है, ऐसे में दोस्तों आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर घरों की कीमत में आग तो लगेगी ही, लेकिन फिर भी हर पैसे वाले लोगों को लंदन में ही रहना है। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि मैंने ऐसा क्यों कहा था कि लंदन को दुनिया का यूनिवर्सल कैपिटल कहा जाता है? दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा, किसी एक शहर में सबसे ज्यादा बोले जाने वाले लैंग्वेज का रिकॉर्ड भी लंदन के नाम ही है। कैन यू इमेजिन, लंदन में कुल 300 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है, 300 लैंग्वेज। तभी तो कहा जाता है कि ये शहर यूनिवर्सल बॉस है। यहाँ पर हर लैंग्वेज के लोग आपको मिल जाते हैं। इस शहर के बीचों बीच में इतना ट्रैफिक होता है कि आज भी यहाँ पर कई फर्राटा भरने वाली गाड़ियाँ बैलगाड़ी की रफ्तार में चलती हैं। जी हाँ दोस्तों, चूंकि कई देशों के लोग यहाँ आकर बस गए हैं, ऐसे में दोस्तों यहाँ भी ट्रैफिक की भारी समस्या है। आपको बता दें कि यहाँ की अगर आप ऑफिस टाइम यानी कि 11 बजे के आसपास गाड़ी लेकर निकलते हैं, तो समझिए कि लंदन का हाल भी भारत के किसी बड़े शहर जैसी हो जाती है। इस शहर में भी ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या है। तभी तो कहा जाता है कि लंदन में कार चलाना और न चलाना बात बराबर ही है। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को ये बात बताई जाती है कि लंदन शहर में बने देश के पार्लियामेंट में किसी को मारना इलीगल है। जी हाँ दोस्तों, आपने भी हो सकता है कि ये सुना होगा, लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि ये बात गलत है। दोस्तों, सच्चाई ये है कि यहाँ के पार्लियामेंट में सूट ऑफ आर्मर पहनकर जाना मना है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे अलग किस्म का मच्छर भी इसी शहर में उड़ता हुआ आपको दिख जाएगा? जी हाँ, ये भी है इस शहर का फैक्ट। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन ये सच है कि क्यूलेक्स पिपियंस मोलेस्टस नामक मच्छर भी इसी शहर के अंडरग्राउंड जगहों पर दिखते हैं। ऐसा दावा किया जाता है कि ये मच्छर दुनिया में और कहीं नहीं दिखते हैं। क्या बात है, कहने का मतलब है कि मच्छर के मामले में भी लंदन यूनिक है। आपको जानकर हैरानी होगी कि शहर को रोमनों ने बसाया था। जी हाँ दोस्तों, और जब इसे एस्टेब्लिश किया गया था, तब दोस्तों इसका नाम था लोंडिनियम, जिसके बाद बदल कर दिया गया लंदन। क्या बात है, कहा जाता है कि लंदन शहर को बनाने में भी इन रोमन का बड़ा हाथ था। दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया का वो कौन सा शहर है जहां पर आपको हर देश का खाना खाने को मिल जाएगा? लंदन एक ऐसा शहर है जहां पर कि आपको हर देश का खाना मिल जाता है खाने को। जी हाँ, तभी तो कहा जाता है कि लंदन में आकर आपको कभी ये फील नहीं होता कि आप अपने देश में नहीं है। है कि नहीं दोस्तों, कमाल की बात। बस आपको इस शहर में रहने के लिए घर मिल जाए तो आपकी लाइफस्टाइल शानदार हो जाएगी। जी हाँ, ये बात सच है, क्योंकि खाने के शौकीन लोगों के लिए जन्नत है। क्या बात है, यहाँ पर जब आप जाते हैं तो दुनिया भर की चीजें आपको खाने को मिलती हैं। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के सबसे ज्यादा इमिग्रेंट्स भी इसी शहर में आते हैं। जी हाँ, कहते हैं कि यह सिलसिला आज से नहीं बल्कि 17th सेंचुरी से ही चलती आ रही है। कहते हैं कि लंदन अपने हर एक इमिग्रेंट को खुले दिल से स्वागत करता है, तभी तो आपको इस शहर में दूसरे देश के लाखों की संख्या में लोग दिख जाते हैं। जी हाँ, एक स्टैट के मुताबिक इस शहर में कुल मिलाकर 180 अलग अलग देशों के लोग आकर बसे हुए हैं। हालांकि इंडियन आपको इस शहर में सबसे ज्यादा दिखेंगे। क्या बात है, हम इंडियन हर जगह छाई जाते हैं। फ्रेंड्स, इस खूबसूरत शहर ने एक से बढ़कर एक नियम कानून को देखा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि शहर में रात में 9 बजे के बाद कोई भी पति अपनी पत्नी पर हाथ नहीं उठा सकता है। यहाँ के नियम के अनुसार रात को जब भी कोई अपनी पत्नी को पीटता था तो बहुत शोर शराबा होता था, जिसकी वजह से कहा गया कि आप अपनी पत्नी के ऊपर हाथ नहीं उठा सकते रात 9 बजे के बाद। जी हाँ, अगर आपने ये गलती की तो आपको जेल जाना होगा। लंदन का सबसे पॉपुलर बिल्डिंग है बिग बेन टावर। जी हाँ दोस्तों, किसी से भी आप पूछ लीजिए लंदन शहर में इस लोकेशन के बारे में, तो वो आपको बता देंगे यहाँ के बारे में सब कुछ। लेकिन सबसे मजेदार बात तो ये है दोस्तों कि इस बिल्डिंग का नाम है द क्लॉक टावर, और उसके अंदर जो सबसे बड़ी घड़ी लगी है उसका नाम है बिग बेन। लेकिन सब इस पूरे बिल्डिंग को ही बिग बेन टावर के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, लंदन शहर में आपको ब्लैक कैब ड्राइवर्स भी दिखते हैं,
लेकिन आपको लगेगा कि इसमें क्या स्पेशल बात है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि इन्हें स्पेशल क्यों कहा जाता है। दोस्तों ये जो ब्लैक कैब ड्राइवर्स होते हैं, ये सब एक टेस्ट पास करने के बाद इस लेवल के ड्राइवर बनते हैं और इन्हें लंदन शहर की एक एक रेड लाइट, एक एक स्ट्रीट की नॉलेज होती है। जी हाँ दोस्तों, ये अपने आप में ही नेविगेशन है। वेल, दोस्तों आपको बता दूं कि शहर की लड़कियों को सबसे अट्रैक्टिव माना जाता है। जी हाँ, कहा जाता है कि ये बहुत ही कमाल की होती हैं, ये बहुत ही तेज होती हैं, और अगर आप इस शहर में नए हैं तो यहाँ की लड़कियों से बचकर ही रहें। कहते हैं कि यहाँ की लड़कियाँ आपको अपनी खूबसूरती के जाल में फंसा लेती हैं और उसके बाद आपको लूट लेती हैं। क्या आपको पता है कि एक सर्वे में ये बात पता चली है कि यहाँ की लड़कियाँ सबसे ज्यादा खर्चीली होती हैं। जी हाँ, बॉयफ्रेंड का सबसे ज्यादा पैसा इस शहर की लड़कियाँ ही उड़ाती हैं। अभी कहा जाता है कि शहर में गर्लफ्रेंड को रखना भी किसी आम आदमी के बस की बात नहीं है। लंदन दुनिया का एकमात्र शहर है जिसने एक बार नहीं, दो बार भी नहीं, बल्कि दोस्तों तीन तीन बार ओलंपिक्स गेम्स को होस्ट किया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि यहाँ ओलंपिक गेम्स को सबसे पहले होस्ट किया गया था 1908 में, उसके बाद 1948 में और दोस्तों 2012 में। तीन तीन ओलंपिक्स को होस्ट करना कोई मजाक की बात थोड़ी है, है कि नहीं दोस्तों, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट होता है। जी हाँ, आपको याद होगा कि इंडिया के लिए बहुत ही यादगार हुआ था जब साल 2012 में कई सारे खिलाड़ियों ने लंदन ओलंपिक्स में मेडल जीते थे। लंदन का टावर ब्रिज इस शहर की पहचान है। आपको याद होगा कि अगर किसी भी फिल्म में लंदन शहर को दर्शाना होता है तो इस ब्रिज को दिखाया जाता है। लेकिन दोस्तों आपको ये नहीं पता होगा कि इस पुल के निर्माण में लगभग 8 वर्षों का समय लगा था। इसका निर्माण 21 जून 1886 में शुरू किया गया था और इसे 30 जून 1894 तक बनाकर जनता के लिए खोल दिया गया था। ये विश्व के विशाल पुलों में से एक है। इसकी कुल लंबाई 244 मीटर और कुल ऊंचाई 65 मीटर है। क्या बात है, ये शहर अलग ही किस्म का है। दोस्तों अगर आपको है फुटबॉल में शौक तो आपको बता देंगे लंदन में कई बड़े बड़े फुटबॉल टीम्स हैं जिसमें दोस्तों चेल्सी, आर्सेनल और टॉटेनम प्रमुख हैं। फुटबॉल के दीवानों का शहर कहा जाता है लंदन को। बाई द वे, दुनिया का सबसे शानदार स्टेडियम वेम्बले भी इसी शहर में है। साथ ही आपको बता दूं कि शहर के लोगों के बीच में फुटबॉल गेम बहुत लोकप्रिय है। जी हां, कहा जाता है कि ये सबसे पॉपुलर गेम है शहर का। कहा जाता है कि अगर आपको रातों को जागना पसंद है तो ये शहर आपके लिए जन्नत है। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं कि लंदन शहर कभी नहीं सोता। इतना ही नहीं, नाइट लाइफ के मामले में ये शहर इसलिए भी इतना पॉपुलर है क्योंकि यहाँ रात भर पार्टी होती रहती है और यंग जनरेशन के लोग मस्ती करते रहते हैं। कहते हैं कि यहाँ के लोग अपनी लाइफ को खूब जीते हैं। क्या बात है, आप भी जब जाएं तो शहर में फुल ऑन मस्ती कर सकते हैं। क्या आपने लंदन के जैक द रिपर के बारे में सुना है? अगर नहीं तो हम आपको बता देते हैं दोस्तों, ये एक सीरियल किलर थे जिसे आज तक आइडेंटिफाई नहीं किया जा सका है। जी हाँ दोस्तों, कई लोगों को मौत की घाट उतार दिया गया लंदन शहर में, लेकिन आज भी पुलिस यही पता नहीं लगा पाई है कि आखिर वो कौन लोग थे। आज भी जैक द रिपर की रियल पहचान नहीं हो पाई है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया था कि ये देश पैसे कमाने वालों के लिए बड़ा अच्छा शहर है। यहाँ आपको हर तरह के बिजनेस एक्सपोजर मिलता है और दोस्तों शायद यही वजह है कि ये शहर दुनिया का सबसे रिचेस्ट शहर माना जाता है। यहाँ 76 अरबपति लोग रहते हैं। जी हाँ, दूसरे नंबर पर आता है अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर। क्या बात है, तभी तो इस शहर में पैसे वाले लोग रहते हैं। यहाँ पर नॉर्मल लोगों का रहना आसान नहीं है। आपको बता दूं कि लंदन शहर सबसे अलग है। यहाँ आपको एक से बढ़कर एक चीजें देखने को मिल जाती हैं। जी हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ एक बिल्डिंग है जिसका नाम है वॉकी टॉकी। उस बिल्डिंग में दोस्तों बाय मिस्टेक ऐसे ग्लास का इस्तेमाल किया गया है जिस पर सनलाइट पड़ते ही बाहर की तरफ इतनी गर्मी आती है कि एक बार तो एक बंदे की नई नई जगुआर कारी पिघल गई। जी हाँ, इस बिल्डिंग के आगे लोग फ्राई पैन लेकर ऑमलेट बना लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बात हो सकता है कि आपको चकित कर दे, लेकिन ये 100% सच बात है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1891 में लंदन शहर में ही फ्रांस के एफिल टावर से ही बड़ा टावर बनाने की बात शुरू हुई। डिजाइनर्स ने काम करना शुरू कर दिया लेकिन ये प्रोजेक्ट कभी भी पूरा नहीं हो सका, जिसकी वजह से तकरीबन 17 सालों के बाद यानी कि 1908 में इसे नष्ट कर दिया गया। क्या बात है दोस्तों, कहा जाता है कि शहर की खूबसूरती देखने लायक है। जी आपको बता दूं कि यहाँ की साफ सफाई इतनी कमाल की होती है कि आपका दिल ही नहीं करेगा इस शहर से कहीं और जाने का। क्या आपको पता है कि यहाँ के कई सारे ऐसे गार्डन भी हैं जो कि सबसे अलग किस्म के लगते हैं। यहाँ पर आपको सबसे अलग फूल देखने को मिलते हैं। अमेजिंग, आपको जानकर हैरानी होगी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में लंदन के सभी चिड़ियाघर में मौजूद खतरनाक जानवरों को मार दिया गया। जी हाँ दोस्तों, जानते हैं क्यों? क्योंकि यहाँ के लोगों को लगा कि अगर बम फटेगी और ऐसे में खतरनाक जानवर जंगल से भाग गए तो क्या होगा। उन्हें डर था कि कहीं ये जानवर शहर के लोगों पर ही हमला करना शुरू न कर दें। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि 2 सितंबर से 6 सितंबर 1666 के बीच में लंदन शहर में भयानक आग लगी। इस आग की वजह से पूरा का पूरा शहर तबाह हो गया, लेकिन अच्छी बात ये रही कि इस आग की वजह से केवल 6 लोगों की जान गई। जी हाँ, लेकिन अच्छी बात रही कि बाद में इसके ऊपर काबू कर लिया गया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा।
साथ ही दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो पर कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमें आपके कमेंट का रहता है इंतजार। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज इस तरह के वीडियो बनाते रहते हैं। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।